हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर लॉगिन कर रहे हैं और यहाँ पर आप जब भी पासवर्ड या यूज़र आईडी डाल करने के बाद यहाँ पर आपको एक शो होता है एंटर द 6-डिजिट कोड, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको कौन सा कोड डालना है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर आप देखो, जब भी फेसबुक पर आप अपना लॉगिन करते हैं तब आपको इस तरह का दिखाई देता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, आपके जो फेसबुक अकाउंट में टू टॉक फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होता है वो ऑन रहता है, उसके कारण आपको ये आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपने जो भी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाला होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके लास्ट के दो अंक यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे अंक में 5-4 दिख रहे हैं। अगर आप ईमेल आईडी होगा तो ईमेल आईडी के भी लास्ट के आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पर उसी नंबर पर आपका ये 6-डिजिट का कोड सेंड होता है SMS के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे प्लीज़ रेट न्यू कोड। तो यहाँ पर अगर आपके मोबाइल में कोई भी मैसेज आया है वहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैसेज पर जाके तो यहाँ पर आपको कोड दिख जाएगा कौन सा कोड डालना है। तो मैं यहाँ पर आपको मैसेज में दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6-डिजिट का कोड आया है 17-91-16। तो ये कोड यहाँ पर हम डालेंगे। ये कोड यहाँ पर हम डालेंगे और इसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर कंटिन्यू का, तो आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है यहाँ पर ऑन हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर दोबारा से आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है, तो आपका जो पासवर्ड डालोगे तो आपका अकाउंट है यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरह का आप इसे डाल सकते हैं, 6-डिजिट का कोड यही होता है फेसबुक पर। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।